गुड मॉर्निंग ऑल ट्रेनी, माई सेल्फ यशवंत कुमार फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज का यह वीडियो यूनिट 5 से है, बीएड फर्स्ट ईयर सत्र 2020-22 के प्रशिक्षुओं के लिए। आज का विषय अधिगम और शिक्षण, जिसका कोड C3 है। प्रकरण है शिक्षण की नीतियाँ, स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षण एक गतिशील एवं सुव्यवस्थित तथा सुनियोजित प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थी अधिक से अधिक सीखने के अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंस से अवगत हों। इस महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अपनी खोजों के आधार पर विभिन्न अनेक ऐसी विधि, मेथड एंड टेक्नोलॉजी प्रविधि का प्रयोग किया है, जिसका उद्देश्य यही है कि वह अधिक से अधिक और सस्ते और आसानी तरीके से वह सीख सकें। ध्यान देने योग्य बात यह है कि विधियों या प्रविधियों में बहुत बड़ा अंतराल होता है, जिसको लगभग सामान्यतः सभी छात्र एक समरूप मानते हैं। शिक्षण विधियों का संबंध सीधा शिक्षण के एम्स से होता है, उद्देश्य से होता है। अतः प्रत्येक शिक्षण विधि शिक्षण की दिशा तथा गति को दिशा प्रदान करती है, दिशा निर्धारित करती है। इसके विपरीत शिक्षण प्रविध का जो संबंध होता है, वह शिक्षण उद्देश्य को सीधा ना होकर के केवल शिक्षण की विधि से होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षण के उद्देश्य से प्रत्यक्ष संबंध शिक्षण विधि का होता है, जबकि शिक्षण प्रविधि का अप्रत्यक्ष सीधा संबंध नहीं होता। इसके अतिरिक्त शिक्षण विधि में हाउ का भाव विद्यमान होता है, परंतु प्रविधि में मनुष्य भाव होता है, अर्थात किसके साथ, विद दैट। यही नहीं, शिक्षण विधि पाठ्य वस्तु की उचित एवं क्रमबद्ध व्यवस्था पर, सिस्टम पर बल देती है, जबकि शिक्षण प्रविध मनोवैज्ञानिक तथा तार्किक पक्षों पर बल देती है, उन ढंगों की ओर संकेत करती है जिसके द्वारा शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। इस प्रकार हम सामान्य और सरल भाषा में कह सकते हैं कि शिक्षण विधि का जो संबंध है, वह शिक्षण के उद्देश्य से या उद्देश्य पर निर्भर करता है, जबकि शिक्षण प्रविधि
का जो संबंध है वह मनोवैज्ञानिकों की तार्किक पक्ष पर प्रभाव डालती है, उन ढंगों की ओर संकेत करती है जिसका शिक्षण इफेक्टिव, प्रभावपूर्ण, आकर्षक और कुशल हो। शैक्षिक तकनीकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत शिक्षण की क्रियाओं के महत्व पर विशेष जोर दिया जाता है। ये शिक्षण क्रियाएं पाठ्यवस्तु, कार्य विश्लेषण, शिक्षण के उद्देश्य, सीखने की प्रकृति, सीखने के प्रकार, सीखने के अनुभव तथा विद्यार्थियों की रुचियों, रुझानों, क्षमताओं, योग्यताओं, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, पूर्व व्यवहार पर निर्भर करती हैं। इस प्रकार से शिक्षण की जो क्रियाएं हैं वह विषय वस्तु या पाठ्यवस्तु, उन कार्यों का विश्लेषण करना, विस्तारित करना, शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण की प्रकृति क्या है, सीखने के प्रकार क्या हैं, कौन कौन से हैं, सीखने के अनुभव तथा विद्यार्थियों की रुचि, अभिरुचि, रुझान, झुकाव, उनकी क्षमताओं, योग्यता, आवश्यकताओं और मन मस्तिष्क अर्थात मानसिक स्तर और उनका पूर्व व्यवहार इंटरनिंग बिहेवियर, ये सब प्रभाव डालते हैं। अतः शिक्षक को कौन सी शिक्षण क्रियाएं करनी चाहिए, अपने शिक्षण क्रिया में जिनके द्वारा वह विद्यार्थियों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन कर सके। शिक्षक के विचारानुसार विद्यार्थियों में पाए जाने वाले शिक्षण उद्देश्य के प्रति अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, जो शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करे, इसके लिए शिक्षण नीति अथवा स्ट्रैटेजी तथा युक्त, जिसको हम टैक्टिक का चयन एवं प्रयोग करना महत्वपूर्ण समझते हैं। तो ये था शिक्षण के आव्यूह या शिक्षण की नीतियों के संदर्भ में एक सामान्य जानकारी। और अब हम शिक्षण आव्यूह या नीति का क्या अर्थ है इसके बारे में अध्ययन करना चाहेंगे। मीनिंग ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजी। शिक्षण आव्यूह या नीति का अर्थ, द कॉलिंग इंग्लिश जैम शब्दकोश जो 1968 में नीति अथवा स्ट्रैटेजी के संदर्भ में व्यक्त किए गए हैं उनके बारे में अध्ययन करना चाहेंगे। शिक्षण नीति अथवा स्ट्रेटेजी का अर्थ युद्ध कला अथवा युद्ध कौशल से है।
शब्द कोश में भी नीति अथवा स्ट्रेटजी का अर्थ युद्ध में सेना को उचित स्थान पर नियुक्त करने की ऐसी युक्त जिससे कि विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हो। इस प्रकार से शब्दकोश के आधार पर नीति अथवा स्ट्रेटेजी नियोजन तथा निर्देशन का विज्ञान अथवा कला, जिसकी सहायता से बड़ी बड़ी सेनाएं युद्ध में कार्य करती हैं। नीत एक ऐसी योजनाओं का कार्य करने का रास्ता है, लाइन ऑफ एक्शन है। इस प्रकार शिक्षण नीति के संदर्भ में प्रकाश डालते हुए B.O. Smith महोदय ने लिखा है या बताया है, स्ट्रैटेजी के उन रूपों को उल्लेख करते हुए कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले आवश्यक कार्यों से सुरक्षा करते हैं। अर्थात इन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये बताया है कि B.O. Smith महोदय ने स्ट्रैटेजी कार्य के उन रूपों को कहते हैं जो कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं तथा कुछ आवश्यक कार्यों से वो हमारी रक्षा करते हैं। दूसरे स्टोन्स तथा मैरिस महोदय ने अपने विचार व्यक्त करते हुए ये कहा है कि शिक्षण की नीति पाठ की एक सामान्यीकृत योजना है जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन की संरचना अनुदेशन के उद्देश्यों के रूप में सम्मिलित होती है। इसको लागू करने के लिए आवश्यक युक्तियों की रूपरेखा भी शामिल होती है। स्ट्रैटेजी आर बोर्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग, तात्पर्य यह है कि वह नीतियाँ सामान्य योजनाओं की तरफ जो छात्रों में या विद्यार्थियों में शिक्षक अपनी अपेक्षा के अनुसार अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन की रूपरेखा अनुदेशन के उद्देश्य के रूप में निहित करता है और इसको लागू करने के लिए आवश्यक युक्तियों की भी रूपरेखा इसमें शामिल होती है। और अब फिर दिया गया है, स्ट्रेटेजी आर ब्रॉड मेथड ऑफ टीचिंग आई के डेविस ने दिया है। तो शिक्षण आव्यूह या शिक्षण की नीतियों के अब प्रकार जानेंगे। टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी, शिक्षण आव्यूह या शिक्षण की नीतियों के प्रकार। जैसा कि हम शिक्षण आव्यूह के अर्थ और उनकी परिभाषा के बारे में अवगत हुए और अब हम शिक्षण आव्यूह के प्रकार पर अवलोकन करेंगे। शिक्षण आव्यूह या शिक्षण की नीतियों का प्रयोग शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए
उपयोग में लाया जाता है। कुछ शिक्षण की नीतियाँ ऐसी भी होती हैं जिनका प्रयोग करते समय शिक्षक तो क्रियाशील रहता है परंतु कक्षा में उपस्थित विद्यार्थी या छात्र मात्र निष्क्रिय श्रोता बन करके ही बैठे रहते हैं और शिक्षक की बातों को, कथन को, व्याख्यान को श्रवण करते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि शिक्षक सक्रिय होता है और छात्र निष्क्रिय रूप में श्रोता बन करके ही बैठा रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि विद्यार्थी की सम्यक शक्तियों का जो विकास है वो नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि शिक्षक प्रधान टीचर सेंटर्ड शिक्षण की नीतियों में परिवर्तन किए जाएं, उसमें बदलाव लाया जाए जिससे विद्यार्थियों या छात्रों में अधिक से अधिक परिवर्तन अर्थात सक्रियता देखने को मिले। तो कक्षा में उपस्थित वातावरण, स्थिति तथा शिक्षक दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षण आव्यूह का जो भाग किया गया है वह दो प्रकार से किया गया है। पहला जो भाग है वह प्रभुत्ववादी नीतियां हैं, ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज, और दूसरा है जनतांत्रिक नीतियां, डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजी। तो अब हम जानते हैं या जानना चाहेंगे कि प्रभुत्ववादी जो नीति है वह क्या है और इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला है प्रभुत्ववादी नीतियाँ, ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटेजी। प्रभुत्ववादी नीतियाँ परंपरागत शिक्षण की नीतियाँ हैं। परंपरागत से तात्पर्य जैसे पहले से या परंपरा या रीति रिवाज पहले से चली आ रही हो शिक्षण की पद्धति पर यह बल देता है। यह पाठ्यवस्त तथा शिक्षक केंद्रित टीचर सेंटर्ड होती हैं, शिक्षक प्रधान होती हैं। इस प्रकार की नीतियों में छात्र गौण होता है, विद्यार्थी गौण होते हैं और वह मात्र निष्क्रिय श्रोता के रूप में केवल वह शिक्षक के कथन को सुना करते हैं, श्रवण करते रहते हैं। इस प्रकार से शिक्षक पाठ्यवस्तु को स्वयं निर्धारित करता है, वो अपने इच्छा अनुसार शिक्षण कार्य और करता है, स्वयं को आदर्श मानता है। इस प्रकार के नीतियों में विद्यार्थियों की रुचियों, इच्छाओं, रुझानों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उनके मस्तिष्क में ज्ञान को जबरन बलपूर्वक ऐसे ठूसा जाता है अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की शिक्षण नीति केवल संकुचित दृष्टिकोण, शिक्षक तो सक्रिय रहता है परंतु विद्यार्थी भयभीत या डरे हुए
निष्क्रिय श्रोता के रूप में मात्र बैठे रहते हैं और शिक्षक के आदेशों का पालन करते हैं, भले ही वह अशुद्ध ही क्यों ना हो। केवल ज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानसिक विकास पर विशेष जोर दिया जाता है, सामूहिक विकास की ओर शिक्षक ध्यान नहीं देता है। तो इस प्रकार से सामान्य रूप में कहा जा सकता है कि वह शिक्षण नीतियाँ जो परंपरावादी रूप से शिक्षण में शिक्षक द्वारा अपनाई जा रही हैं और अपनाई जाते हुए वर्तमान में भी उनका प्रयोग किया जा रहा है, शिक्षक प्रधान स्वतंत्र रूप से निर्धारित पाठ्य वस्तु को, वह प्रकरण को, शिक्षण बिंदु को मनमाना वह कक्षा में उपस्थित छात्रों को जो निष्क्रिय श्रोता के रूप में जबरन शिक्षक के वह अनुपयोगी बातों का भी श्रवण करते हैं, इसमें शिक्षक ही प्रधान होता है, छात्र गौण रूप में होता है तथा छात्र की इच्छा, रुचि, उनकी क्षमता और उनकी आवश्यकता पर बिना ध्यान दिए हुए शिक्षक अपनी बात को बलपूर्वक, अपने ज्ञान को बलपूर्वक मन मस्तिष्क में, छात्रों के दिल और दिमाग में वो बैठाना चाहता है और छात्र की मजबूरी होती है और वह मजबूरी से शिक्षक के बातों का अनुपालन करता है, आदेशों का अनुपालन करता है। इस प्रकार से प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियों के अंतर्गत कौन कौन से नीतियाँ सम्मिलित की जाती हैं, इनका हम एक एक करके अध्ययन, अलग अलग करके अध्ययन करना चाहेंगे। तो इसमें से है पहला भाषण, लेक्चर, दूसरा है प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, तीसरा है ट्यूटोरियल तथा चौथा है अवक्रमित अनुदेशन। ये चार ऐसी नीतियां हैं जो प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियों के अंतर्गत इनकी गणना की जाती है। इन प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियों में ये चारों ही शिक्षण नीतियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और लगभग इनमें से कोई न कोई, चारों में से एक, वह टिप्पणी के रूप में, शॉर्टकट नोट के रूप में परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस संदर्भ में या इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम एक एक करके इन शिक्षण नीतियों का विस्तार से अध्ययन करना चाहेंगे। उससे पहले हम दूसरा जो हमारी शिक्षण नीतियों का ये स्वरूप है उसके बारे में भी जान लेते हैं। दूसरा है जनतांत्रिक नीतियाँ, डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजी। जनतांत्रिक नीतियों के बारे में हम यह कह सकते हैं कि यह नीतियाँ छात्र प्रधान होती हैं, बाल केंद्रित होती हैं, इनमें पाठ्य वस्तु को विद्यार्थी स्वयं निर्धारित करते हैं,
इनका प्रयोग करते समय विद्यार्थियों का स्थान प्रधान होता है, मुख्य स्थान होता है और यह जनतांत्रिक नीतियाँ प्रभुत्ववादी नीतियों के विपरीत, अर्थात उसमें शिक्षक का प्रधान स्थान होता था, टीचर सेंटर्ड होते थे, इसमें स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं और शिक्षक का स्थान गौण होता है। परिणाम स्वरूप शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है, वाद विवाद होता है, इंटरेक्शन होते हैं, जिससे विद्यार्थियों की रुचियों, रुझानों, क्षमताओं और योग्यताओं तथा आवश्यकताओं एवं उनके मानसिक स्तर का भी विकास होता है, उनमें सृजनात्मक कॉन्स्ट्रक्टिव क्षमताओं का भी विकास होता है। जनतांत्रिक शिक्षण नीतियाँ वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होती हैं, अतः योग्य विद्यार्थी इन्हें अधिक पसंद करते हैं। इस प्रकार से हम एक निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि जनतांत्रिक नीतियाँ वे नीतियाँ होती हैं जिनके अंतर्गत छात्रों का स्थान प्रधान तथा शिक्षक का स्थान गौण होता है। इस प्रकार की नीति में शिक्षक के हर क्रिया, उनकी रुचि, अभियोग्यता और उनका झुकाव, उनकी क्षमता क्या है, उनकी योग्यता क्या है और उन चाहते क्या हैं, उनकी आवश्यकता क्या है तथा उनके मानसिक स्तर पर ध्यान देते हुए इस प्रकार की कि जिससे छात्र में रचनात्मक और सृजनात्मक कॉन्स्ट्रक्टिव का कौशल का विकास हो। यह वस्तुनिष्ठ होती है, ऑब्जेक्टिव होती है और इसे छात्र बेहतर तरीके से पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और उससे लाभान्वित भी होते हैं, लाभ उठाते हैं। इन शिक्षण नीतियों की प्रमुख विशेषता यह है कि इनके द्वारा सामाजिक विकास अधिक से अधिक संभव होता है और इस प्रकार से जनतांत्रिक शिक्षण नीतियों के अंतर्गत कौन कौन से वे नीतियाँ समाहित की जाती हैं, सम्मिलित की जाती हैं, इनका उल्लेख इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो पहला है क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तरी, दूसरा है डिस्कवरी खोज, तीसरा है ह्यूरिज अन्वेषण, चौथा है प्रोजेक्ट पद्धति, तीसरा है मस्तिष्क विप्लव ब्रेन स्टॉर्मिंग, छठा है पात्र परिचय या भूमिका निर्वाह रोल प्लेइंग, नेक्स्ट होता है स्वतंत्र अध्ययन इंडिपेंडेंट स्टडी, आठवां है संवेदनशील प्रशिक्षण सेंसिटिविटी ट्रेनिंग और अगला है नौ पुनरावृत्ति रिकैपिटुलेशन, दसवां है अभ्यासकार, ग्यारह है समीक्षा, बारह है गृहकार होम असाइनमेंट या होमवर्क और लास्ट में है वाद विवाद डिस्कशन आदि को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार से जनतांत्रिक नीतियों के अंतर्गत यह मुख्य 13 महत्वपूर्ण हैं। इनमें से जो हमारे परीक्षा में
अधिकतर पूछी जाती हैं वो ऐसी चार पांच नीतियां हैं जो लगभग इस पर फोकस किया जाता है, जैसे वाद विवाद डिस्कशन, गृहकार, प्रोजेक्ट पद्धति और मस्तिष्क विप्लव, प्रश्नोत्तर, अन्वेषण, भूमिका निर्वाह, ये नीतियाँ हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक नीतियों का अलग अलग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रभुत्ववादी नीतियों का जो महत्वपूर्ण है और जनतांत्रिक ये नीतियों में जो महत्वपूर्ण है इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।